इंडियन आइडल 2011 ने टीवी पर दस्तक दे दी है। अभी ऑडिशन राउंड शुरू हुआ है और शो ने इतनी सुर्खियां बटोर ली है, तो आगे और धमाल बाकी है। बात करें पिछली बार की, तो पिछली बार सलमान अली थे जिन्होंने शो की टीआरपी बढ़ाने में भरपूर साथ दिया। आपको बता दें कि सलमान अली सारेगामा पा 2011 का हिस्सा भी रह चुके हैं, तो वहीं इस बार आए अजमत हुसैन इस शो के विनर थे। देखा जाए तो दोनों की संगीत की शैली लगभग एक सी है। हाँ, वैसे तो दोनों में अंतर बहुत है, लेकिन फिर भी एक सूफी टच का एहसास होता है दोनों को सुनकर। बात करें सारेगामा पा 2011 के ग्रैंड फिनाले की, तो फिनाले में स्टेज पर तीन फाइनलिस्ट थे, जो थे अजमत हुसैन, नितिन कुमार और सलमान अली। और इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो फिनाले वाले दिन तीनों ने एक साथ गाया, जिसमें अजमत हुसैन ने साजन मोरे घर आया, आजा तेनु अखिया, इस जाने करम का क्या कहना हो, तो सलमान अली ने दिल से रे मेरा पिया घर, और वहीं नितिन कुमार ने ओ साथी रे गाया था। लेकिन उस वक्त की बात करें तो अजमत की परफॉर्मेंस के आगे सलमान अली और नितिन कुमार थोड़े फीके नजर आए, और इसी के चलते फिनाले वाले दिन अजमत हुसैन ने वो खिताब अपने नाम कर लिया था। शो के जजेस की बात करें तो जावेद अली, अदनान सामी और कैलाश खेर थे, और तीनों जजेस ने फेयर डिसीजन लिया। तो इसी तरह अजमत हुसैन ने अपने सूफी अंदाज में सलमान अली को खुद से पीछे किया था। तो दोस्तों, आप अजमत हुसैन को इंडियन आइडल 11 में कितना आगे तक देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, टीवी और बॉलीवुड गलियारों से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए फिल्मी पंचायत। शुक्रिया।